हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। मेरे पीछे कुछ इक्वेशंस लिखे हुए हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस है। अगर आप इन इक्वेशंस को देख रहे हो और आपके दिमाग में एक ग्राफ बन जा रहा है विद इन ए सेकेंड, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं। लेकिन अगर इन इक्वेशंस को देख कर थोड़े ही समय में अगर आपके दिमाग में एक ग्राफ का फिगर नहीं आ जा रहा है कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा, तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखना। ये इक्वेशन देख कर आपके दिमाग में ग्राफ आ जाएगा कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। आप अगर 11th में और जेई मेंस 2024 एग्जाम क्रैक करने को सोच रहे हो, तो आपके लिए 30 मार्च से अनअकैडमी के न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं, जहां आपको कंप्लीट जेई का प्रिपरेशन कराया जाएगा, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। या फिर आपका टारगेट जेई 2022 है, तो क्विक कॉन्सेप्ट रिविजन बैच ज्वाइन करिए। या आपको 12th का प्रिपरेशन और साथ में 11th का रिविजन भी करना है, तो आपके लिए अर्ली इवॉल्व बैच है। जल्दी से ज्वाइन करिए और मेरा कोड यूज करें PRKU10। आपने अगर अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो फिर सोच क्या रहे हो। इतने कम प्राइस में आपको मिल रहा है, जिसमें 23 टेस्ट जेई 2022 के हैं और 48 टेस्ट जेई 2023 के हैं। ये टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा ये पता लगाने में कि आपका प्रिपरेशन कैसा है और इंडिया में कौन सा रैंक लाने का आप काबिलियत रखते हो। आप टेस्ट दो और अपना परसेंटाइल हमें सेंड जरूर करना। और सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड जरूर यूज करना PRKU10। IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज चल रहा है, जहां 30 मिनट में आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से रहते हैं। क्वेश्चंस के क्वालिटी पे आपको संदेह नहीं करना है। दी आर टोटली टॉप रेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड बाय टॉप एजुकेटर्स, जिससे आप फुल एंड फाइनल रिविजन कर पाओगे। और हाँ, हर वीक एवरी 50 लकी विनर्स को सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात कि ये फ्री में है, अभी जाकर इनरोल करो। और कल टेस्ट 6 बजे होगा। ये टेस्ट हर रोज़ शाम 6 बजे होता है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये टेस्ट दो और हमें बताओ। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एनी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज करें PRKU10। अगर आपने मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला वीडियो नहीं देखा है, तो ये वीडियो जाकर देखो पहले, तब ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें मैंने बताया है कि ये कार्टेशियन प्लेन होता है। इसमें किसी का भी पोजीशन आप बता सकते हो कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है। जैसे मैं बात करूँ 1, 2, ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे लाई करेगा आप बताओ मुझे। ये है एक्स, इसको लिखो यहाँ पे। ये है वाई, इसको लिखो यहाँ पे, ठीक। अब ये बताओ ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे लाई करेगा। तो एक्स कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक। और वाई में कितना है, 2। ये रहा एक्स और ये रहा वाई में 2। ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 और 2, इतना तो सबको पता है, ठीक। उसी तरह बताओ मुझे -1 और 2, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। तो x में कितना है, -1, y में कितना है, 2। अब ये खोजो कहाँ पे होगा। x में -1 जाना है, ठीक है। तो x एक्सिस का माइनस निगेटिव इधर होता है, तो ये माइनस x में -1 यहाँ पे है। और y में 2 पॉजिटिव जाना है, तो y में 2 यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट का पोजिशन बताते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। ये बात हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम का, लेकिन इसको ग्राफ तो नहीं बोलेंगे। ग्राफ का मतलब होता है कि यहाँ से अगर कोई लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर दे, या इसको इस तरह से इधर एक्सटेंड कर दे, ठीक, या इसको इस तरह से बना दे, ठीक, इसको ग्राफ बोलते हैं। तो आखिर ये ग्राफ आता कैसे है, ये लाइन आया कहाँ से, इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो फिर ये पॉइंट इतने सारे आ कहाँ से रहे, ठीक है। तो इसी का होता है इक्वेशन। जैसे हम लिख दें y = x + 2, ये है वो मशीन जो बहुत सारे पॉइंट्स दे रहा है। और ये पॉइंट्स को हम जब यहाँ पे पोजीशन करते हैं, पोजीशन में लाते हैं इस पॉइंट्स को, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इसको ग्राफ कहते हैं। समझाया, बहुत सारे पॉइंट्स जब मिल जाते हैं एक साथ, बहुत सारे इनफाइनाइट इसमें पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये इस तरह से बहुत सारे इसमें पॉइंट्स बने होंगे, तब जाके ये एक लाइन बना होगा, ठीक है। इसी को ग्राफ बोलते हैं। तो आखिर इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, ध्यान से देखना इस वीडियो। अब आपको समझ में आया कि वो इक्वेशन ही है जो बहुत सारे पॉइंट्स दे सकता है हमें, और जब उन पॉइंट्स को हम इन कार्टेशियन प्लेन पे डालेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें देगा, ठीक है। वो इक्वेशन ही है, वो भी लीनियर इक्वेशन, जो कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें देगा। तो सबसे पहला हमारा मशीन जो है y = x, सबसे सिंपल, जो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दे सकता है। तो इसका ग्राफ चेक करते हैं, आखिर इसका ग्राफ आएगा कैसे। स्ट्रेट लाइन तो आएगा, लेकिन किस तरह से आएगा, ये हम चेक करते हैं। तो पॉइंट्स डालते हैं, अपने आप पता चल जाएगा।
देखो x के जगह पे हम जीरो लेते हैं तो y भी जीरो हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू जीरो, ठीक। x के जगह पे अगर हम जीरो लेते हैं तो y इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। अब x के जगह पे वन लो तो y भी वन हो जाएगा, दिख रहा है। x के जगह पे माइनस वन ले तो y भी माइनस वन हो जाएगा। x के जगह पे टू ले तो y भी टू हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको, ठीक। अब हम इन पॉइंट्स को इस कार्टेशियन प्लेन पे डालते हैं। जीरो जीरो कहां पे है, यहां पे, ठीक। वन वन ये यहां पे है, माइनस वन यहां पे, ठीक। टू टू कहां पे है, टू टू ये यहां पे, थ्री थ्री, फोर फोर, इस तरह से आते जाएगा और इधर ये निगेटिव में आते जाएगा। तो आप देखोगे ये इस तरह से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें दे रहा है जो कि बिल्कुल ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, दिख रहा है। ये स्ट्रेट लाइन हमें इस तरह से देगा, ठीक, एकदम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। तो समझ में आया y इक्वल टू x, ये हमें कैसा ग्राफ देगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से होकर गुजरेगा। क्लियर है बात यहां तक। अब अगर हम लोग इसमें माइनस लगाते हैं, y इक्वल टू माइनस x, अब कैसा पॉइंट होगा। अगर हम x जीरो लेंगे तो y भी जीरो होगा, जीरो निगेटिव नहीं होता। लेकिन x अगर वन लेंगे तो y हमारा माइनस वन हो जाएगा, ठीक। x अगर यहाँ पे वन लेते हैं तो y इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन लिख लिए, फिर इसको चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। अब हम लोग x को अगर 2 लेते हैं तो y भी क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। x अगर 3 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, ठीक है। x अगर 3 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री। अब देखो इसका ग्राफ कैसा है, जीरो जीरो यहां पे है, मतलब ये ग्राफ जो है ओरिजिन से होकर गुजरने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वन माइनस वन, पॉजिटिव में वन और वाई निगेटिव में माइनस वन, यहां पर है पॉइंट। 2 माइनस टू, ये 2 और नीचे है माइनस टू, ठीक, ये पॉइंट है हमारा। 3 माइनस थ्री, 3 माइनस थ्री, ठीक, ये कुछ यहां पे पॉइंट आने वाला। चलो एक निगेटिव भी ले लेते हैं, माइनस थ्री। अब देखो y अगर x अगर माइनस थ्री लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, तो y इक्वल टू थ्री आ जाएगा। ये पॉइंट कहां पे होगा, माइनस थ्री, y में यहां पे माइनस थ्री, ये कुछ यहां पे आने वाला। अब आप क्या देख रहे हो, ये लाइन बिल्कुल ओरिजिन से होके गुजर रहा है, दिख रहा है। y इक्वल टू x जो था वो इस तरह से गुजर रहा था, y इक्वल टू माइनस x कर दिए तो इस तरह से गुजर रहा, ये आपको समझ में आ गया। y इक्वल टू अगर x है तो ये ओरिजिन से इस तरफ से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव लोग हैं तो ये भी निगेटिव। y इक्वल टू अगर x की बात करें तो जो भी आप x लोगे वो सेम सेम y आएगा, चाहे आप निगेटिव में लो या पॉजिटिव में लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ग्राफ मेरा इस तरह से आ रहा। लेकिन इसमें y इक्वल टू माइनस x में साइन चेंज हो जा रहा है, वन ले रहे हैं तो ये निगेटिव हो जा रहा है, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं ये निगेटिव हो जा रहा है, इसको निगेटिव ले रहे हैं ये पॉजिटिव हो जा रहा है। तो आप क्या समझ में आ रहा है आपको, कि ये ग्राफ अपोजिट आने वाला है, यहाँ पे ये निगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है, इधर ये पॉजिटिव होता है ये निगेटिव होता है, इसलिए ये ग्राफ मेरा इस तरह से आ रहा है, ठीक। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x का, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस x का, ठीक। ये माइनस एक इस तरह से ओरिजिन से होकर गुजरेगा और y इक्वल टू एक्स इस तरह से ओरिजिन से होकर गुजरेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो, अगर हम y इक्वल टू एक्स था, इसका ग्राफ आपको पता है कैसा आएगा, ऐसा, ठीक, बिल्कुल ओरिजिन से गुजरता हुआ स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, 2 ऐड कर दें, तब कैसा ग्राफ आएगा, ध्यान से देखो। x लेते हैं 1, एक बताओ y कितना आएगा, x के जगह पे रखो 1 प्लस 2 3 आएगा, y इक्वल टू 3 आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3, ठीक। फिर कोई भी ले लो,
टू ले लो, टू टू जा फोर, तो वाई स्क्वायर टू फोर आ गया। जीरो लेकर देखते हैं, एक्स अगर जीरो लेते हैं, जीरो प्लस टू वाई स्क्वायर टू टू, तो वाई स्क्वायर टू टू आ गया। एक निगेटिव ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस वन ले लेते हैं, कितना आएगा माइनस वन प्लस टू, टू में से वन घटेगा वन, यानी वाई स्क्वायर टू वन, वाई स्क्वायर टू वन आ गया मेरे पास पॉइंट्स। अब इसको यहां पे डालते हैं, वन थ्री, एक्स में वन वाई में थ्री, ये रहा पॉइंट मेरा, टू फोर, टू और ये फोर यहां, ठीक, जीरो टू, एक्स में जीरो यहां, वाई में टू यहां, ठीक, माइनस वन, एक्स में माइनस वन कहां है यहां, और ये प्लस में वन यहां कुछ है, ठीक। देख रहे हो, ध्यान से देखना ये ग्राफ कैसा आ रहा है, ऐसा करके ग्राफ आ रहा है, ठीक। वाई इक्वल टू एक्स वाला हम ग्राफ फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये था आपका इस तरह का ओरिजिन से गुजरता हुआ स्ट्रेट लाइन था, ठीक। और उसमें जब हम दो ऐड कर देते हैं, दो उसमें जोड़ देते हैं, तो ये ग्राफ आप दिख रहा है ऊपर शिफ्ट कर गया, ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आ गया, देख रहे हो, समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करो बस। वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ओरिजिन से गुजर रहा था, जैसे उसमें दो जोड़ दिए, प्लस कर दिए, तो ये ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक। ये पूरा ग्राफ, ये पूरा ग्राफ, इस सारा जो पॉइंट था इस ग्राफ पे, इस ग्राफ पे जो सारे पॉइंट्स थे उसमें दो ऐड हो गए, सारे दो ऊपर हो गए, समझ में आ गया बात। तो आप अब कह सकते हो y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री क्या होगा, इसका ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर उठेगा, समझ में आ रहा है। y इक्वल टू एक्स प्लस एट, थोड़ा सा ये ग्राफ और ऊपर आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब आप सब देख कर ही, इक्वेशन को देख कर ही बता दोगे कि कैसा ग्राफ आने वाला है। y इक्वल टू एक्स हमको याद है कि वो ओरिजिन से होकर गुजरता है बीचों बीच एकदम स्ट्रेट लाइन, जैसे जैसे उसमें ऐड करते जा रहे हैं, प्लस ऐड कर रहे हैं, याद रखना ऐड कर रहे हैं, ठीक, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव, तो ऊपर उठ रहा है, क्लियर है बात यहां तक। अब आप मुझे बताओ माइनस टू हो जाता है तब क्या होगा, सब कुछ मिटा देते हैं। देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x का वैल्यू पुट करो वन, y कितना आएगा वन माइनस टू माइनस वन, ठीक, माइनस वन, एक्स जीरो ले लेते हैं, एक्स जीरो तो y आ जाएगा जीरो माइनस टू आ जाएगा, ठीक। फिर लो थ्री, लो थ्री माइनस टू वन, y इक्वल टू वन आ गया, कुछ भी ले सकते हो, एट ले लो चलो, ठीक, x एट माइनस टू सिक्स, y इक्वल टू सिक्स। अब इसको हम लोग आराम से इस पे पॉइंट को दिखा सकते हैं, वन माइनस वन, एक्स में वन वाई में माइनस वन, यहाँ जीरो माइनस टू, जीरो और वाई में माइनस टू, यहाँ थ्री माइनस वन, एक्स में थ्री और वाई में वन, थ्री वन, यहाँ एट सिक्स, एक्स में एट वाई में सिक्स, ठीक, यहाँ क्या देख रहे हो कि ये इस तरह से ग्राफ आ रहा है, ग्राफ पे फोकस करना, ठीक, क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है तो थोड़ा इधर उधर होगा। अब ग्राफ पे फोकस करो, क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा था, ये बिल्कुल ओरिजिन से गुजरता हुआ इस तरह से था, ठीक। और जब माइनस टू कर दिए तो क्या दिख रहा है, ये सारा ग्राफ नीचे आ गया, समझ में आ रहा है। एक्स प्लस टू था तो ये ग्राफ ऊपर उठ रहा था, जैसे जैसे इसमें ऐड कर रहे थे ये ग्राफ मेरा पूरा ऊपर उठ रहा था, लेकिन जैसे जैसे माइनस कर रहे हैं ये ग्राफ नीचे आते जा रहा है, लेकिन वही है, स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक, इसी तरह का ग्राफ, लेकिन माइनस करने से ये नीचे आते जा रहा है, समझ में आ रहा है। अगर इसी में हम माइनस फोर कर दे ये ग्राफ और नीचे आ जाए, माइनस एट कर दे ये ग्राफ और नीचे आ जाए, समझ में आ रहा है।
पॉजिटिव अगर हो, ऐड हो एक्स में, तो ये ग्राफ ऊपर उठ रहा है, और निगेटिव कर रहे हैं तो ये ग्राफ नीचे आ रहा है। तो आप देख कर ही बता दोगे कि इसका ग्राफ कैसा आने वाला है, कितना सेकंड लगेगा, 1-2 सेकंड, इसको देख कर ही बता दोगे कि इसका ग्राफ कैसा आने वाला। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? अब आप देखो y इज इक्वल टू हाफ एक्स, इसका ग्राफ कैसा आएगा ध्यान से देखो। x हम लेते हैं 1, तो ये फ्रैक्शन में आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 लो, x को हम लोग 4 लेते हैं, तो ये y 2 आ जाता है। देखो 1/2 × 4, 2 से 4 कटेगा 2, y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2। x को आप माइनस में ले लो, -4 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर x को 8 ले लो, ये आ जाएगा 4, ठीक। x को 8 लेंगे, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, y इक्वल टू 4 आ गया। अब बस इस पॉइंट को यहाँ पे डालना है, 1 - 2, 1/2, ठीक। x में 1 और y में 1/2 यहाँ पे होगा, ठीक, आधा। x में 4, y में 2, x में 4, y में 2, ये कुछ यहाँ पे होगा, ठीक। -4 - 2, -4 - 2, ये यहाँ होगा, ठीक। x में 8, y में 4, x में 8, y में 4, यहाँ पे होगा। अब ज्वाइन करो, अब यहाँ पे 0 भी एक ले लो, चलो उससे और क्लियर हो जाएगा आपका। ये 0, 0 इंटू 0, 0, ठीक। अब देखना ये 0, 0 यहाँ पे लाइक करता है, ये पॉइंट कैसा आ रहा है। ग्राफ पे फोकस करना, लाइन पे फोकस मत करना, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। y इक्वल टू x था तो कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा था, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन सीधा ऐसे आ रहा था। हाफ कर देने से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा ये x एक्सिस की तरफ झुक गया, x आधा हुआ तो ये ग्राफ पूरा x एक्सिस की तरफ झुक गया, दिख रहा है, समझो, ध्यान से समझो। ये वाला जो लाइन था, ये y इक्वल टू x वाला लाइन जो कि बिल्कुल बीचों बीच था इसके, ठीक। जैसे ही इसको हाफ किए, y जो है वह हाफ ऑफ x है, तो ये ग्राफ पूरा का पूरा थोड़ा सा झुक गया ऐसे, दिख रहा है। तो अब आप देख कर ही बता सकते हो कि y इक्वल टू अगर 1/3x होगा तो कैसा ग्राफ आएगा, ये थोड़ा सा और नीचे झुक जाएगा, दिख रहा है। ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये थोड़ा सा और नीचे झुक जाए। 1/5 करेंगे और ज़्यादा नीचे झुक जाएगा, 1/6 करेंगे और नीचे झुक जाएगा, लेकिन कभी भी ये वाला ऐसे नहीं हो जाएगा, ये लाइन ऐसे हो के ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये इसी में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा और ये झुकता चला जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? y इक्वल टू हाफ ऑफ x का ग्राफ कैसा आया, y इक्वल टू x जो था थोड़ा सा और x एक्सिस की तरफ झुक गया, बस इतना आपको समझ में आ रहा है ना। y इक्वल टू 1/3x होगा, आप देख के झट से बता दोगे कि ये इस तरह से झुका हुआ ग्राफ बनेगा। देखो ध्यान से, अगर हमको झट से ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 1/3x का, फटाक से ऐसे कर देंगे, y इक्वल टू 1/5x का, समझ में आ रहा है? इस तरह से आप जल्दी से ग्राफ बना सकते हो, देख कर ही बता सकते हो कि इसका ग्राफ किस तरह से है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप मुझे खुद से बताओ y इक्वल टू 2x इसका ग्राफ कैसा होगा, झट से बताओ, एकदम 2 सेकेंड, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। y इक्वल टू 2x इसका ग्राफ कैसा आएगा, y इक्वल टू हाफ x, अभी हम लोगों ने देखा है कि ये थोड़ा सा इस तरफ से झुक गया था, ये जो ऐसा था ये थोड़ा सा ऐसे नीचे आ गया था, x एक्सिस की तरफ झुक गया था, तो y इक्वल टू 2x कैसा आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो करके देख लेते हैं, y को रखते हैं 1, y आ जाएगा 2, y को रखते हैं 2, x आ जाएगा 4, y को रखते हैं -2, x आ जाएगा, x को रखते हैं -2, y आ जाएगा -4, फिर रख लो -3x को तो y आ जाएगा -6, ठीक। अब ग्राफ जल्दी से बनाओ, 1 2, x में 1, y में 2, ये रहा 2 4 2 4, यहाँ रहा -2 -4, -2 -4,
यहाँ है, एक जीरो वाला भी ले लेते हैं, ये जीरो, वाई भी जीरो, ठीक, जीरो जीरो यहाँ आ गया, माइनस थ्री माइनस सिक्स, माइनस थ्री माइनस सिक्स, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखना ध्यान से कि ये इस तरह से ग्राफ आएगा, क्या दिख रहा है, कुछ दिखा? y इक्वल टू x जो था वो थोड़ा सा इस तरफ था, ठीक है, बीचों बीच था, बीचों बीच था एकदम, ये 45 डिग्री बनता, ये बीचों बीच था, ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया। y इक्वल टू हाफ x था, ये इसके नीचे हो गया, y इक्वल टू 2x है, ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, ठीक है, ये यहां से ऐसे हो गया। y इक्वल टू 3x होगा ऐसे हो जाएगा, y इक्वल टू 4x होगा ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये आपको समझ में आ गया कि अगर x के दुगना है y, तो ये ग्राफ थोड़ा सा जो y इक्वल टू x पे आ रहा था ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। अगर हाफ करेंगे, इसको हाफ करते हैं तो ये नीचे हो जाता है, दुगना करेंगे तो इसका ये ऊपर हो जाएगा। बहुत आसान है समझना इस बात को। अब आप देख कर ही बता दोगे कि ग्राफ इसका कैसा आने वाला है। y इक्वल टू 5x है, ग्राफ कैसा आएगा, थोड़ा सा इस तरफ का, क्लियर है बात, देख कर ही बता दोगे। चलो अब आप मुझे जल्दी से बताओ y इक्वल टू 2x प्लस 1 इसका ग्राफ कैसा है। अगर आपके दिमाग में तुरंत ग्राफ आ गया तो समझो कि आज मेरा वीडियो ये बनाना सफल हो गया। 2x कैसा था याद करो, थोड़ा सा ऊपर टिल्टेड था, y इक्वल टू 2x का थोड़ा सा ऊपर टिल्टेड था, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा इस तरह से शिफ्ट कर जाए, क्लियर है। चलिए करके देख लेते हैं, x को लेते हैं 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, x के जगह पर 2 ले लो, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, y इक्वल टू 5, 2 लिए y आ गया 5, माइनस में ले लो, माइनस 2 इंटू माइनस 1 लेते हैं, माइनस 2 प्लस 1, देखो x कितना लिए है, माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 1, ठीक, फिर ले लो माइनस 2 ले लो, माइनस 2 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको प्लॉट करके, 1 3 1 y में 3, यहाँ 2 5 2 5, यहाँ माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका, माइनस 2 माइनस 3 x में माइनस 2 y में माइनस 3, लेकिन ये अगर 0 0 आप लेते हो, देखो x अगर 0 लेते हैं तो y 1 के बराबर आता है, यानी ये जो इक्वेशन है ओरिजिन से होके गुजरेगा नहीं, देखो 0 और ये 1 है, ठीक है, तो x 0 है और y यहाँ पे 1 है, तो यहाँ है लाइन आपका, ये लाइन इस तरह से होके गुजरेगा, ठीक है, ये लाइन आपका इस तरह से होके गुजरेगा, क्लियर है बात, ओरिजिन से होकर नहीं गुजरेगा, क्योंकि y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x ओरिजिन से होकर गुजर रहा था और ये इस तरफ था, 1 ऐड किए ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेगा, ये बात समझ में आ गया ना आपको। y इक्वल टू 2x का ग्राफ इस तरह से था, थोड़ा सा ऊपर था, x y इक्वल टू 2x इस तरह था, 2x थोड़ा सा ऊपर था और 2x में 1 ऐड कर दिए, ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, उसका हर एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर उठ गया, ये लाइन पूरा ऊपर उठ गया, क्लियर है बात। अब अगर यहाँ पे 4 या 7 ऐड कर दें कैसा ग्राफ आएगा, ये जो पॉइंट यहाँ था ये 7 ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर उठ जाएगा, क्लियर है बात। अब आप इक्वेशन देख के बता दोगे कि उसका ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आज का ये जो वीडियो था वो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन पे था, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जरूर देखना उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।